केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के एक निर्णय से महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त खामगांव में लोगों को सड़क के साथ पानी भी मिलने लगा। दरअसल श्री गडकरी जी ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री बाहर से लाने की बजाय निर्माणाधीन सड़क के आसपास लगने वाले सूखे पड़े नदी, नालों और तालाबों से निकाली जाए। इससे दो फायदे होंगे, सड़क निर्माण की कीमत भी थोड़ी कम होगी और नदी, नाले, तालाब फिर जिंदा होंगे, जिससे वाटर कंजर्वेशन में मदद मिलेगी। खामगांव में इसी फैसले के तहत सूखे पड़े तालाबों से मिट्टी निकाल राष्ट्रीय राजमार्गों में इस्तेमाल का काम शुरू हुआ। जहां तेज रफ्तार से सड़क निर्माण का काम चल रहा था, वहीं मॉनसून की पहली बारिश के साथ ये सूखे पड़े तालाब फिर एक बार पानी से लबालब होने लगे। यहां के लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सूखा और पानी की कमी की वजह से कई सालों से यहां के किसान आत्महत्या कर रहे थे। गडकरी जी की इस दूरदर्शिता से उन्हें सहारा जरूर मिलेगा। खामगांव विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रकल्पों में योगदान हेतु 27 तालाब, 12 नदियां और नहरों का उत्खनन किया गया। इस कारण बोल्डी, मस, तोरणा, मास, ज्ञानगंगा, बिल्डी और अम्बोड़ा जैसी नदियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुल 30,75,000 घन मीटर खनिज निकाला गया। इस वजह से 3,075 TMC जल संचयन क्षमता बढ़ी है। 3,075 TMC का अर्थ है 10,000 लीटर के करीब 3,07,500 टैंकर पानी। लगभग 52 गांवों को इस कृति से लाभ मिला। 38 पानी वितरण योजनाओं को भी लाभ मिला और 15,000 कुएं पुनर्जीवित हुए। अब आप अनुभव करेंगे खामगांव परिक्षेत्र में लबालब भरे तालाब, उफान पर बहती नदियां, विस्तीर्ण पानी भरे बांध, जल संधारण में परिपूर्ण खामगांव विधानसभा क्षेत्र और प्रगतिशील भारत का एक अंचल जो महाराष्ट्र की शान बना है।